हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीसीए के सिलेबस को। जी हाँ, तो जो बीसीए का सिलेबस है वो आता है आपके आईपीएस से, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज से, जो कि आपके सारे प्रोफेशनल कोर्सेज करवाता है। तो आइए देखते हैं बीसीए का सिलेबस और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जो सबसे पहला आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो मैथमेटिक्स है, स्टैटिक्स है, सर्किट एनालिसिस है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है और कम्युनिकेशन स्किल है, बिजनेस स्किल है, बिजनेस सिस्टम है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी आने वाली लाइफ में जब आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे तो आपको ये बहुत ही काम आने वाली है। तो ये जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक्स है, सर्किट एनालिसिस है वो भी इम्पॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग है और कम्युनिकेशन स्किल है, बिजनेस सिस्टम है, ये सब कुछ आपके लिए ज़रूरी है चीज़ें, अच्छा सिलेबस है। और अगर सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो ये मैथमेटिक्स सेकंड है, अभी इसके बारे में देखेंगे आगे और चीज़ें, ये सेकंड क्या है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको एमसीए में भी सिलेबस मिलेंगे। डेटा स्ट्रक्चर है, लिनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग है जो कि एमसीए के फर्स्ट पार्ट में हुआ करता था, अभी सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है। फिर आपका है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आइए सिलेबस का थोड़ा सा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो जो पहला सिलेबस है वो बेसिकली आपका आपका ये जो सिलेबस है ये अधिकतर मैट्रिक्स पर और कैलकुलस पर बेस्ड है, जिसको हम ऐसा एक नाम दे सकते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग भी, मतलब लीनियर मैथमेटिक्स इसका नाम दे सकते हैं, जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ेंगे, इंटीग्रल को पढ़ेंगे, लेवेंटीज थ्योरम वगैरह, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। अगला जो आपका सिलेबस है स्टैटिक्स का, इसमें आपका मीन मीडियन मोड। अब आपको लगता है कि सर ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ें, तो जब आगे आप मशीन लर्निंग पढ़ोगे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ोगे तो उसमें इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बहुत ही ज़रूरी है, और इसके बिना आप मशीन लर्निंग को सोच भी नहीं पाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है, ये सब चीज़ें आपको मशीन लर्निंग वगैरह में काम आने वाली हैं। आप अगर मशीन लर्निंग सीखना चाहेंगे, आगे कुछ ऐसी चीज़ें सीखना चाहेंगे तो आपको ज़रूरी है। तो बेसिक सर्किट एनालिसिस, जिसमें आपको अधिकतर ये जो टॉपिक कवर अप करते हैं ये आपके पिछली क्लासेस जो आपने 10th से लेकर के 12th तक में जो आपने फिजिक्स पढ़ी है उसी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। बेसिक जो सिलेबस है वो सेमी कंडक्टर को कवर अप करता है और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को कवर करता है, जिसमें आप ओम्स लॉ वगैरह को देखते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है, डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, डिट्रोड क्या होता है, इन सब के बारे में मैथ एनालिसिस करेंगे, सर्किट बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर इस सिलेबस में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें लॉजिक फैमिलीज की, तो उसमें आपको TCL, DTL, TTL, RTL, FET, इन सब को कवर अप करना है, इनके सर्किट डायग्राम को बनाने, इनके ग्राफ बनाने हैं। प्रैक्टिकल इसमें नहीं है, मतलब इसको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट किया जाता है पर यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा आपको। तो ये जो है RTL, DTL, TTL, ECL, MOS, CMOS, इन सब के बारे में डिस्कस करा गया है। और फिर आपका इलेक्ट्रिक मेजरमेंट है, टू डायमेंशनल, और वोल्ट मीटर कैसे काम करता है, आपका मीटर कैसे काम करता है, पावर क्या है, वोल्टेज क्या है, ये सब के बारे में डिस्कस करा गया है यहाँ पे। और आगे बात करें तो सी लैंग्वेज है यार, सबसे मस्त चीज़ है, यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स डिस्कस करे गए हैं, स्ट्रक्चर क्या है, आपका एल्गोरिथम क्या होता है, सिंपल प्रोग्राम क्या होता है, डेटा टाइप क्या है, उनके साइजेस क्या है, इसके बारे में बताया गया है, फाइल्स। अब उसके बाद आपका कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंट्रोल स्टेटमेंट में आपको इफ एल्स स्टेटमेंट, फॉर व्हाइल, डू व्हाइल, इन सब के बारे में बताया गया है, क्योंकि तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बहुत ही ज़रूरी जो नींव है वो ये है, सी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। एरे के बारे में बताया गया है, डायरेक्टिव बताया गया, मैक्रो बताया गया है, प्रोसेसिंग बताया गया, फाइल हैंडलिंग बताया गया है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक।
तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप सी नहीं पढ़ते हैं तो आपने समझ लीजिए कुछ भी नहीं पढ़ा प्रोग्रामिंग में। तो अगर आप सी पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाती हैं। अब ये आपका इंग्लिश का स्किल है, आप कम्युनिकेशन है, आप कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी पब्लिक स्पीकिंग क्या है, इसमें आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताया जाता है कि वर्बल्स कैसे बोलने हैं, कहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग करना है, अपना प्रोफेशनल इंट्रो कैसे देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। मास कम्युनिकेशन कैसे, मतलब यानी बहुत सारी भीड़ हो उसके बीच में आपको आई कॉन्टैक्ट कैसे बनाना है, बहुत सारे लोगों के बीच में कैसे बोलना है, ये सारी चीज़ें आपकी इस कम्युनिकेशन स्किल में आपको समझाई गई हैं। आगे देखें हम लोग तो बिजनेस सिस्टम है, और बिजनेस सिस्टम में आपको कैसे जो है पेरोल बनाना है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, अकाउंटिंग कैसे करनी है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट कैसे बनना है, आपकी इन्वेंट्री कैसे मैनेज करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप कहोगे सर ये बताइए इन्वेंट्री और ये सारी चीज़ें पढ़ के हम क्या करेंगे, हमारे लिए क्या फ़ायदा है, तो देखो यार फ़ायदा है। अगर आपको कभी ऐसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाना हुआ तो आपको ये सारी कहानी पता होनी चाहिए तभी बना पाओगे, ठीक है। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं और इसको कवर अप करा गया है। फिर जो मैथमेटिक्स का अगला सिलेबस है BCA सेकंड सेमेस्टर का, तो उसमें क्या है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हो कि आपका जो लीनियर, मतलब एक तरह से कह सकते हो रियल एनालिसिस है, रियल एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। और जो भी चीज़ें कॉसी मीन वैल्यू थ्योरम और लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कर्व, आपका रिडक्स कॉम्प्लीमेंट वगैरह और डाइवर्जेंस कर्ल वेक्टर, ये सारी चीज़ें हैं, लैम्डा थ्योरम्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। टेलर सीरीज वगैरह है जो कि बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है मैथमेटिक्स का, आपको हमेशा पढ़ना ही पड़ता है। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जैसा मैंने बताया कि सेमी कंडक्टर को कवर अप किया गया है, तो आप देख सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड है, तो पीएन जंक्शन डायोड में आपको दो तरह के सेमी कंडक्टर होते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक क्या होता है, एक्सट्रिंसिक में डोपिंग वगैरह क्या है आपका, किसी सेमी कंडक्टर को मतलब किसी भी ऐसे किसी को जो है किसी सेमी कंडक्टर कंडक्टर कैसे बनाते हैं, उससे रेक्टिफायर कैसे बनाते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर के वोल्टेज को मेज़र करेंगे, LC करंट, DC करंट, RC करंट ये निकालेंगे, सबका हम लोग इंडक्टेंस निकालेंगे, Z की वैल्यू निकालेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। अच्छा टॉपिक है, आप इसको भी पढ़ें ध्यान से। बाईपोलर ट्रांजिस्टर, और बाईपोलर ट्रांजिस्टर में आपका मतलब ट्रांजिस्टर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कवर की गई, एम्पलीफायर बनाया गया है, बायस कंडीशन क्या है आपका, ठीक है, फॉरवर्ड बायस क्या है, बैकवर्ड बायस क्या है, ये सारी चीज़ें, डिप्लेशन लेयर क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। फिर अगर हम बात करें फील्ड इफेक्ट की, फेट की, देखो इसका नाम ही है फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि ट्रांजिस्टर का एक एग्जांपल है, पावर सप्लाई है, पावर सप्लाईज में ब्लॉक डायग्राम बनाना, तो पावर सप्लाई क्यों जरूरी है, आप अगर किसी CPU को देखें तो हर CPU में एक पावर सप्लाई ज़रूर होता है, तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है। खैर वो CPU की पावर सप्लाई नहीं बल्कि पावर सप्लाईज बनती कैसे उसके बारे में है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें आपका जो सिलेबस कवर किया गया है वो डिजिट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि आपका अगर हम बात करें नंबर सिस्टम की तो नंबर सिस्टम आपका कवर हो जाता है। यहाँ पर आपका जो सर्किट्स हैं बेसिक सर्किट, यानी जो बुलियन अलजेब्रा है उसको कवर करेंगे, लॉजिक गेट्स को कवर करेंगे, लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे, लॉजिक गेट के थ्रू हम सर्किट्स बनाएंगे, एडर सब्सट्रैक्टर फुल एडर काउंटर रजिस्टर, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। फिर क्या है आपका डेटा स्ट्रक्चर है, आपके चाहे अगर कंप्यूटर की किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना डेटा स्ट्रक्चर के आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो बिना डेटा स्ट्रक्चर के कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपना अगला, लिनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग है। जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ये बहुत ही कमाल का चीज़ है, आप सभी को पढ़ना चाहिए, लिनक्स में कैसे कमांड्स काम करते हैं, कैसे CD क्या है, LS क्या है, LS-L क्या है, CP क्या है, MD क्या है, MKDIR क्या है, RMDIR क्या है, CAT कमांड क्या है, ठीक, मैन कमांड क्या है, मोर क्या है, लेस क्या है, CMP क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ, बहुत सारे कमांड, बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई जाएंगी। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रोसेस क्या है, क्या
चीज़ें होती हैं, टच कमांड क्या है, फाइल क्या है, और फाइल प्रिंटिंग क्या है, स्लीप क्या है, प्रिंट क्या है, ये PS कमांड क्या है, किल क्या है, बहुत सारी चीज़ें शेड्यूलिंग वगैरह से रिलेटेड है, सेल प्रोग्रामिंग है। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, मज़ेदार चीज़ है, सबको आना चाहिए। लिनक्स प्रोग्रामिंग है, इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो जिसमें क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक मॉडल को बताया गया है कि किसी भी सॉफ्टवेयर के मॉडल को कैसे डिज़ाइन करते हैं, इसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, GUI वगैरह कैसे बनता है उसके बारे में बताया गया, क्या उसका बेनिफिट है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है,